सुबह के 5 बज रहे हैं और विजिबिलिटी जीरो के बराबर है। सामने उत्काशी देख सकते हैं जहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। अब तो दिक्कत हो गया मुझे घूमने। नहीं, पर गाड़ी चल जाएगी ना। हाँ चल जाएगा, रिक्स तो नहीं हुआ ना। अरे रिक्स तो है, क्या करके अबे आए चढ़ने की नहीं, फिर स्लिप मारा है स्लिप। ये देखिए, वेरी गुड, कीप इट अप। अब तुम मैच ही से आ रहे हैं ट्रैक करके। गिर गया बॉय, कांडा ऑन द रॉक्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक नई दिन की शुरुआत के साथ, और इस दिन की शुरुआत के साथ हम जा रहे हैं चोपटा बनियाकुंड। हम 4 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। कल रात को हमने हरिद्वार के लिए ट्रेन ली थी दिल्ली से। हरिद्वार से करीब 233 किलोमीटर है चोपटा। अभी हम हरिद्वार रुद्रप्रयाग रास्ते पे हैं, और फरवरी का मंथ है। आप देख सकते हैं कितनी फॉग है पूरे रास्ते, कुछ नजर नहीं आ रहा। व्यू फ्रॉम श्रीनगर। अभी यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट करा है, अब यहाँ से हम निकलेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। ठंडा बहुत हो रहा है। इस ट्रिप का मेन इंटेंट था कि चोपटा से 3 किलोमीटर पहले बनियाकुंड में कैंप में रुका जाए। हमें पता चला था कि स्नो काफी है चोपटा में, इसलिए ये डिसाइड किया था कि स्नो के बीच में कैंप में रुकेंगे। आप सामने गुप्त काशी देख सकते हैं जहाँ से 30 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है, और वहीं से केदारनाथ धाम जाने के लिए ट्रैक स्टार्ट होती है। अभी हमारे कैंप के ओनर मिस्टर चौहान का फोन आया, और उन्होंने बताया कि काफी स्नो है कैंप तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन दो थी, या तो हम ऊखी मठ पर अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहां से स्नो चेन व्हीकल ले, या अपनी गाड़ी को बड़ी ध्यान से लेकर जाएं। फिलहाल जिस तरह की धूप थी यहाँ पे, ऐसा लग नहीं रहा था कि आगे की रोड्स बिल्कुल स्नो पैक्ड होंगी। चोपटा यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था, और अभी भी आप देख सकते हैं रोड्स बिल्कुल साफ थी। चौहान साहब की बात पे विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था कि रोड्स बिल्कुल स्नो पैक्ड होंगी। आई वॉज द वन हु कन्विंस्ड ऑल माई फ्रेंड्स टू कम इन स्नो, इसलिए मेरे सारे फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि अगर स्नो ना हुई तो तू तो गया। फाइनली जब हमें रोड पे स्नो दिखने लगी, फिर उन सबको भी और मुझे भी विश्वास हो गया कि आगे काफी स्नो होगी। हम सबके मन में एक अलग तरह की एक्साइटमेंट हो रही थी, ट्रैवलिंग थ्रू स्नो पैक्ड रोड्स जो आज तक कभी नहीं किया। थोड़ा डर भी लग रहा था। ये तो रास्ता जाम हो जाता है भाई साहब, गाड़ी आने जाने बंद हो जाती है, बर्फ पड़ती है ना, दो दो दिन तीन तीन दिन के लिए फंस जाता है यात्री। दिक्कत हो गया मुझे। नहीं नहीं, पर गाड़ी चल जाएगी ना। हाँ चल जाएगा, देख लो। अब ये बताएंगे हमें, क्या बताएंगे, रिक्स तो नहीं हुआ ना। अरे रिक्स तो है, क्या करके अबे आए घूमने आए तो रिक्स आई, और बर्फ तो है, आराम आराम से चलाओगे तो देख लो, देख लो, देख लो, आराम से जाओ। ठीक है, कितने किलोमीटर है ऐसे? यहाँ से 7। अच्छा 7। सर मुझे फोन करना है, तो मेरे कैम में फोन लगता पूरा। ठीक है, भगवान करे और ना पड़े, अगर और पड़ गया तो यही भाई लोग हो जाएंगे हम। ओ भाई साहब, ये है जवाब। फाइनली जिस पल का काफी देर से इंतजार कर रहे थे वो सामने आ गया था, ट्रैवलिंग ऑन स्नो पैक रोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई क्या सोचा? अभी तो यहाँ तो चले जाएगी, चोपटा से आने वाले टूरिस्ट ने हमें बताया कि आगे काफी स्नो है, इसलिए गाड़ी स्लिप होने का डर है। इसलिए हम भी रुक गए, सोचने लग गए कि आगे क्या करना चाहिए। ये डिसाइड किया कि डर के आगे जीत है, और धीरे धीरे जाएंगे। ड्राइवर भैया को भी कन्विंस किया कि कैंप तक धीरे धीरे चलेंगे। भैया गाड़ी निकल जाएगी, हॉर्न मारते हुए चलो। अरे हॉर्न तो मार रहा है, यहाँ से हुआ था ना वो स्कॉर्पियो। हॉर्न मारते हुए चलना, यहाँ बैक करने का रास्ता है बताओ तुम कहीं।
जोड़ से तुम कह रहे थे वो स्कूटी देखो भाई कहाँ दबी पड़ी है, जाते ही रहो भैया, आगे से आ गया तो काट गए स्कूटी देखो कहाँ दबी हुई है, पहुँच कैसे गई उसका, बर्फ की जगह बर्फ बहुत बढ़िया। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बस पहुंचने वाले ही थे, बस उम्मीद कर रहे थे कि सामने की तरफ से कोई गाड़ी ना आ जाए क्योंकि ब्रेक लगानी पड़ेगी, अगर ब्रेक लगाई तो गाड़ी स्लिप करती है। नो पे गाड़ी चलाने का बस एक ही नियम है कि फर्स्ट गियर पे धीरे धीरे चलाते रहो, जहां ब्रेक मारी और स्टार्ट करी वहां गाड़ी स्लिप होगी। वो भी तो आ रहा है, उसको रास्ता कहां से मिलेगा, फिर वो ही तो देख रहा है मैं, ये निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा, और वो निकल पाएगा, वो बुला रहा है आपको, कह रहा है पीछे कहां कर ले भाई, गाड़ी चढ़ने की नहीं फिर भाई, स्लिप मारेगी, यहाँ ले आओ गाड़ी, तुम चढ़ने की नहीं फिर स्लिप मारा है, स्लिप। आप देख सकते हैं जिसका डर था वही हुआ, सामने से कार आ गई और उसके पीछे से जेसीबी। अब निकाल लो भाई, भाई यहाँ ले आओ तो गाड़ी, मेरी गाड़ी आओ आओ, ठीक है। पुल निकल जाएगा यार, जेसीबी भी मेरे घर निकल जाएगा, निकल जाएगा जेसीबी, कभी तो उसने ऊंचा कर दिया, नहीं होगा वो जगह नहीं आगे, वो बर्फ में फंस जाएगी भाई, बर्फ में फंस के मारेगी फिर घूमे, उतरना पड़ेगा, तुम आगे पढ़ाओ ना गाड़ी, तुम्हारे तो रोज जगह है, तुम्हारी नीचे जा रही ना, तुम्हारी चढ़ रही है, कौन आ गया यार, इसको भी आने दो। आज पता चला कि स्नो पे गाड़ी चलाना आसान नहीं है, लकीली ऑपोजिट साइड से व्हीकल्स कम आ रही थी, जब भी आ रही थी थोड़ा चैलेंज था, पर जैसे तैसे हम निकल रहे थे, बस होप कर रहे थे कि और कोई व्हीकल रास्ते में ना आए और हम स्मूथली सही सलामत कैंप की तरफ पहुंच जाएं। अनफॉर्चुनेटली एक और व्हीकल आ गई जिसके वजह से हमें उतरना पड़ा क्योंकि हमारी गाड़ी स्लिप हो रही थी। फाइनली चौहान साहब का जो कैंप का केयर टेकर था वो हमें मिल गया था हमें कैंप पे ले जाने के लिए। आराम से भाई, आराम से पैर जमा के भाई, क्यों मार रहे हो मेरी यार, भाई कर्मा कर्मा, ये लड़के लोग जा रहे हैं हमारे, ये गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, ये क्या फाइनली थोड़ा रास्ता पार करा है, अरे ये कैंप अपना, बहुत बढ़िया, यहाँ से चलूँ बर्फ से, ओ भैया ओ जी मिस्टर देवांजन चंदा को, ये देखिए वेरी गुड कीप इट अप, चलो चलो क्या हुआ भाई, जूते बाहर उतार देना, नहीं तो कैंप गंदा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तभी कहा था भाई जूते वूते सब लेकर आना, एंटी स्किड एंटी स्नो। आप देख सकते हैं कितनी स्नो है हमारे कैंप के सामने, अभी तो धूप है, रात को पता चलेगा ठंड का। सामने आप देख सकते हैं कि हम अपने चारों बच्चे नव्या पीयू कियान और ताशी के लिए स्नोमैन बना रहे हैं, प्लीज इस वीडियो के थ्रू हमारे बच्चे देख सकते हैं कि उनके पापा लोगों ने उनके लिए एक स्नोमैन बनाया था। व्यू देखो व्यू,
जस्ट सी द व्यू फ्रॉम हियर, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है। जियो का नेटवर्क आ रहा है, बस एयरटेल का नहीं आ रहा। इस जगह को बनिया कुंड कहते हैं और ये 2 किलोमीटर बिफोर चोपटा है। अगर आपको कैंपिंग करनी है या अगर आपको हट्स में रहना है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। हमारे कैंप का नाम चौकम्बा कैंप था, जिनके ओनर मिस्टर चौहान थे। वी टुक अ 5-बेडेड कैंप, आपको दिखाता हूँ मैं कैंप कैसा है। यहाँ पे 16 पैनल्स इंस्टॉल थे, जिसके थ्रू हमें 1 लाइट और 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिले थे। टैप में पानी नहीं था क्योंकि पूरी टैप वाटर लाइन फ्रोजन थी, इसलिए उन्होंने अलग से हमें 1 बकेट वाटर दे दिया था, वो भी काफी फ्रीजिंग था। तो हम चले थोड़ा सा बर्फ में घूमने घामने। ये हमारा कैंप है और ये पूरा चौकटा पानी का। अपने यारों के साथ बिताया गया ये समय काफ़ी अमूल्य था। लाइफ में आप सब चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय कभी नहीं खरीद सकते। दोस्तों के साथ बिताया ये समय काफ़ी स्ट्रेस रिलीवर था। हम सारे फ्रेंड्स अपने हेक्टिक शेड्यूल के वजह से हर महीने नहीं मिल पाते थे, पर जब भी मिलते थे खूब इंजॉय करते थे। जब तक एक दूसरे की टांग ना खींच लो तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, ऐसी दोस्ती है हमारी। कैंप साइड स्नो में एंजॉय करने के बाद हमने सोचा ऊपर की साइड चले जाएं, जहां हमने गाड़ी पार्क कर रखी है। तुंगनाथ जी के तो दर्शन हो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बर्फ है, नहीं हो पाएगा। तो सुबह यहां से निकलेंगे 8:30-8:30 बजे सीधा ऋषिकेश और वहां पे कैंप में रुकेंगे। रिवर साइड 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे, कैंप पे रुकेंगे और अगले दिन ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए शताब्दी पकड़ेंगे और घर। बर्फ़ देखो, ये है सॉलिड बर्फ, 5-5, 6-6 फुट बर्फ है। यहाँ पर धूप गई और ठंड बड़ी, यही होगा रात को भी यहाँ पे, ज़बरदस्त ठंड होगी, ज़बरदस्त। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त ठंड होगी, बहुत ही जबरदस्त। हमारी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है आपने? अच्छा, ये अपनी गाड़ी है भाई। अब ठंड हो गई, जाऊंगा हनुमान जी के। जब इतनी दूर आए हैं तो यार मंदिर के तो दर्शन बनते ही हैं। जय हो सियापति रामचंद्र की जय, पुत्र हनुमान की जय। कहाँ पे? ये भी कैंप ही है। मंदिर ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? यही है, बर्फ को आज रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है? ना, क्या बात कर रहे हो, ढक दिया। अच्छा, ये सीढ़ियाँ कहाँ से थी? सीढ़ी नहीं थी, वैसे ही रास्ता था। नहीं, निशान तो है। हाँ, यहीं से दर्शन कर लेते हैं। ये दिख रहे सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। ये हनुमान जी का मंदिर है, ऊपर तो हम जा नहीं पाएंगे। आप तुंगनाथ जी से आ रहे हैं? हाँ जी। ट्रैक करके? हाँ जी। पूरा ऊपर तक? सुबह कितने बजे गए थे? 10 बजे। और आप अब आए? हम यहीं से गए थे पहले। अच्छा,
अच्छा 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 ऊपर गए थे दूर पूरा वो ऊपर तक है पैदल 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 ऊपर मंदिर मंदिर अच्छा बर्फ कितनी है ऊपर तो बहुत बर्फ है चलने में दिक्कत नहीं दिक्कत है सब सब गीला रखा है अच्छा अगर आपको जाना होता है मॉर्निंग में जाना अच्छा अर्ली मॉर्निंग मतलब 8-9 बजे अच्छा और यहाँ से पैदल यहाँ से कितना है 5 किलोमीटर 3 और फिर वहाँ से क्या 4 ऊपर 7 है अच्छा सात अच्छा 3 आगे गाड़ी नहीं जा सकती अच्छा ये जा सकती है ये जाती है सुबह सुबह 9-10 बजे अच्छा अच्छा क्या लेते हैं ये हम गए तो ऐसे गए थे पैदल गए अच्छा अच्छा टफ है पर धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई थी इसलिए सोचा कैंप में वापस चला जाए भाई यहाँ तुम गिरे थे ध्यान से जाना गिर गिर गया भाई कांडा ऑन द रॉक्स इसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कर्मा इज बैक इसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ओली के अंदर नहीं यार पर लगनी नहीं चाहिए यार लगनी नहीं चाहिए नहीं लगनी नहीं चाहिए यार सॉरी फोन वोन तो नहीं की टूटा ना भाई भाई फोन तो नहीं टूटा ना मेरी फोटोज है उसके अंदर कहीं कहीं जगह स्लश थी जिसके चक्कर में अपने फ्रेंड्स गिरते जा रहे थे मजे तो एक दूसरे के साथ ले रहे थे पर ये भी इंश्योर कर रहे थे कि किसी को चोट ना लगे वापस सब अपने कैंप पहुंचने वाले हैं उसके बाद रात को बॉनफायर करेंगे पहुंच गए यस डन अभी करंट टेम्परेचर यहां का -5 डिग्री हो रहा है ठंड इतनी थी कि बोन्स अकड़ रही थी बॉनफायर की हीट से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था पर फिर भी मजा आ रहा था क्योंकि दोस्तों का साथ था Next morning. Good morning everyone. So अब छोड़ने की तैयारी है यहाँ नाश्ता करने चल रहे हैं आओ तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ बर्फ में कभी किसी ने ऐसे ब्रेकफास्ट करा होगा देवू मेजा इंजॉइंग बर्फ के अंदर ये देखो बर्फ ही बर्फ तू चोपटा हो गया चोपटा हो गया भाई ये चीयर्स चलो भाई लोग कैंप को फायदा करते हुए पंकज भाई आराम से चलना अब की बात नहीं होना चाहिए कांड सो फ्रेंड्स चोपटा का ये व्लॉग यहीं फिनिश होता है एक बात तो है दोस्तों कि असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का है ओपैक रोड से पहुंचने का मजा अलग ही था अपनी लाइफ में पहली बार व्हीकल्स को स्लिप होते देखा है स्नोपैक रोड्स पे होप करता हूं आपने ये कंप्लीट ब्लॉग एंजॉय किया होगा अब मिलता हूं मैं आपको एक नई जगह एक नए एक्सपीरियंस के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुड बाय एंड टेक केयर